हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो आज का वीडियो होगा जेएलए एवेंजर का फिफ्थ और लास्ट एपिसोड, जिसमें कई सारे राज खुलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक रिकैप से। अब तक हमने देखा कि जस्टिस लीग और अवेंजर्स की आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने की वॉर खत्म हो गई थी, और जब कैप्टन और बैटमैन को सच्चाई पता चलती है तब कैप्टन अवेंजर्स को पीछे हटने कहता है और जस्टिस लीग जीत जाती है। और जैसे कि हमें पता था कि जस्टिस लीग ग्रैंड मास्टर की थी, इसका मतलब ग्रैंड मास्टर जीत जाता है। पर ये देखकर क्रोना को अपनी हार हजम नहीं होती और वो ग्रैंड मास्टर को मारने लगता है। पर ये सब कुछ ग्रैंड मास्टर का एक प्लान था। वो मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स के पावरफुल वेपन्स को एक गेम के जरिए कलेक्ट करवाता है, और एंड में क्रोना को हराने के लिए वो उन सारे आर्टिफैक्ट्स को एक साथ यूज करता है। पर क्या वो कामयाब हुआ, और क्या वो पावरफुल आर्टिफैक्ट्स मिलकर भी क्रोना को हरा सके या नहीं, ये सारे आंसर हमें जानने मिलेंगे हमारे आज के इस फाइनल वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। क्रोना और ग्रैंड मास्टर की फाइट के बाद इस कॉमिक की एक नई और अजीब शुरुआत होती है। इतने सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट यूज करने की वजह से यूनिवर्स की रियलिटी पर असर पड़ जाता है। ग्रैंड मास्टर और क्रोना, इन दोनों का अब तक कोई अता पता नहीं था, और दुनिया की रियलिटी चेंज हो जाती है। और अवेंजर्स और जस्टिस लीग को ये पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ था, और ये दोनों टीम्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और अब रियलिटी ऐसी होती है कि मार्वल अब अर्थ 2 था और डीसी अर्थ 1, यानी कि इन दोनों सुपर हीरोज के प्लेनेट आसपास आ चुके थे, यानी मार्वल और डीसी के। और ये दोनों टीम्स पिछले हुए हादसे से वाकिफ नहीं थे, और रियलिटी चेंज होने की वजह से उन दोनों टीम्स को याद नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हुआ भी था। और क्या ग्रैंड मास्टर और क्रोना लड़े भी थे, और दोनों टीम्स के लिए ये एक नॉर्मल लाइफ थी, और दोनों टीम्स आपस में मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर कैप्टन को अचानक भ्रम होता है और उन्हें लगता है कि रियलिटी में कुछ गड़बड़ है, और दूसरी तरफ सुपरमैन को भी यही लग रहा था। और इन दोनों को भनक लग जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और वो गड़बड़ ये थी कि दोनों अर्थ यानी कि डीसी और मार्वल मर्ज हो रहे थे, यानी कि एक साथ जुड़ रहे थे। और ये बात हमारे सुपर हीरोज को तब पता चलती है जब सुपरमैन और आयरन मैन स्पेस में जाते हैं, और वो लोग स्पेस में देखते हैं कि दो जायंट हाथ उनकी दुनियाओं को यानी कि मार्वल के अर्थ और डीसी के अर्थ को आपस में जोड़ रहे थे। पर अब तक उन्हें पूरी रियलिटी पता नहीं चली कि वो दोनों हाथ क्रोना के हैं, और ये सब कुछ वही कर रहा है, क्योंकि पुरानी बातें उन्हें अब तक याद नहीं आई थी। पर हमारे हीरो समझ गए कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो इस चीज को रोकने लगते हैं। इसमें स्कारलेट विच और ग्रीन लैंटर्न अपनी पूरी पावर्स लगा देते हैं, पर उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। तब वो लोग वापस आकर एक प्लान बनाने की सोचते हैं, तब अचानक ही उनके सामने फैंटम स्ट्रेंजर आ जाता है, जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और वो उन सभी को एक सीक्रेट रास्ते पर चलने के लिए कहता है, और वो रास्ता सीधा उन्हें ले जाता है ग्रैंड मास्टर के पास। और आखिरकार अब हमारे हीरोज को सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर उन्हें सब कुछ बताता है, और हमारे हीरोज को असलियत पता चल जाती है कि क्रोना और ग्रैंड मास्टर में लड़ाई हुई थी, और जब ग्रैंड मास्टर ने सारे आर्टिफैक्ट्स एक साथ यूज किए तब सब कुछ बदल गया, जिसकी वजह से क्रोना दोनों दुनियाओं के बीच फंस गया था, और ग्रैंड मास्टर बहुत ही जख्मी हालत में था। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैंने उन आर्टिफैक्ट के पावर्स के जरिए क्रोना को रोकना चाहा, पर इतनी सारी पावर भी उसे हराने के लिए कम पड़ गई, और मैंने उसे दोनों दुनियाओं के बीच में कैद करना चाहा, पर वो फिर भी बच गया और वहां से भी निकल गया, और वो दोनों यूनिवर्स को एक कर रहा है क्योंकि उसे अपना जवाब जानना है, और जानना था कि यूनिवर्स कैसे बना। और उसे इतना पता चल गया है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग यानी कि एक बड़े धमाके से बना, और इसीलिए अब वो दोनों यूनिवर्स को एक कर रहा है, और फिर वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा और यूनिवर्स को फिर से बनते देखेगा। और इस तरह अवेंजर्स और जस्टिस लीग को सच्चाई पता चल जाती है, और उन्हें अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर बेहोश हो जाता है, और ये दोनों टीम्स एक साथ हो जाते हैं और क्रोना को रोकने की तैयारी करते हैं। और हमारे हीरोज के लिए और भी डेंजरस बात ये थी कि वो 12 आर्टिफैक्ट्स क्रोना के पास थे, और उन सभी का इस्तेमाल करके क्रोना यूनिवर्स को तबाह करने वाला था, पर उसे ये करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। और क्रोना अपना बेस गैलेक्टस की डेड बॉडी के अंदर बनाता है, और हमारे हीरोज उसे रोकने के लिए आ रहे थे, और हर एक सुपर हीरो साथ मिलकर काम कर रहा था और क्रोना को हराने की पूरी तैयारी कर रहा था। और हमारे हीरोज से लड़ने के लिए क्रोना मार्वल और डीसी के विलेंस को एक करता है, और उन सभी को हमारे हीरो से लड़वाता है, जिससे क्रोना को अपने प्लान को अंजाम देने में और भी ज्यादा टाइम मिले।
और लड़ाई पे जाने से पहले कैप्टन सुपरमैन को अपना शील्ड दे देता है, जिससे उसे फाइट में मदद मिले और वो क्रोना तक पहुंच जाए। और कैप्टन खुद शिप से कमांड करता है और अवेंजर्स और जस्टिस लीग एक शिप बनाते हैं जिसमें थॉर, फ्लैश और वैंडा अपनी पूरी पावर्स डालते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। और उनका वो शिप क्रोना के बेस पर एंटर करता है और एंटर करते ही उन पर अटैक शुरू हो जाता है। और वहाँ हम देखते हैं डीसी और मार्वल की बड़ी बड़ी टीम्स के विलन, और वहाँ पैराडीमन से लेकर मूल्स की आर्मी तक थी, और हमारे हीरोज के सारे विलन्स उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाते हैं, और हमारे सुपर हीरोज का एक्शन मोड ऑन हो जाता है और सभी अपना पूरा जोर लगाकर विलन्स पर अटैक शुरू कर देते हैं। हमारे फेवरेट सुपर हीरोज का ये टीम अप देखने लायक था क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज थे, और हमारे सुपर हीरोज क्रोना तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और कैप्टन वहां से उन्हें गाइड कर रहा था। और हम यहां पर सुपरमैन और थॉर को एक साथ देखते हैं जो विलन से लड़ रहे थे, पर क्रोना तक पहुंचने के लिए इतना काफी नहीं था। और देखते ही देखते बैटमैन कई सारे विलन से घिर जाता है, तब उसके पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, और वो होता है मार्वल का ब्लैक पैंथर, और वो बैटमैन की मदद करता है। आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न एक साथ जोरदार अटैक करते हैं जिससे कई सारे विलन्स एक ही बार में धराशायी हो जाते हैं। सुपरमैन अभी भी क्रोना तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उस पर क्रिप्टोनाइट और रेडसन का अटैक होता है, और ये दोनों ही सुपरमैन की वीकनेसेस हैं, और सुपरमैन कमजोर पड़ने लगा। पर तभी विजन सुपरमैन पर एक सोलर अटैक करता है, और आपको पता ही होगा कि सुपरमैन को पावर्स मिलती हैं सन से, और विजन अपनी पावर्स से सोलर एनर्जी क्रिएट करता है और सुपरमैन पर चार्ज करता है, और सुपरमैन सोलार एनर्जी से भर जाता है और उन दोनों विलन्स को हरा देता है। और उन दोनों को हराने के बाद आखिरकार सुपरमैन क्रोना तक पहुंच गया था, पर क्रोना एक ऐसी जगह के अंडर था जो फोर्स फील्ड से बनी दीवार से ढकी थी, और सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर उससे कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ थॉर पूरी तरह से विलन से घिरा हुआ था, और वो सुपरमैन को आवाज लगाता है, और उस दीवार को तोड़ने के लिए वो अपना हैमर सुपरमैन की तरफ फेंकता है, और सुपरमैन थॉर के हैमर को कैच कर लेता है, और उसके हैमर की मदद से वो उस दीवार को तोड़ देता है। सुपरमैन को भरोसा नहीं होता कि उसने ये काम कर दिया, क्योंकि थॉर का हैमर उठाकर उसे यूज करना कोई मामूली बात नहीं। और अचानक ही एक ब्लास्ट होता है और सारे विलन्स और हीरोज पीछे धकेल लिए जाते हैं, क्योंकि अब क्रोना आ गया था, और क्रोना की यूनिवर्स को एक करने की प्रोसेस अभी भी जारी थी। पर तभी क्रोना के सामने फ्लैश आ जाता है, पर फ्लैश सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, और उसके पीछे से हॉकाई अपना तीर मारता है, और वो तीर सीधा क्रोना की उस मशीन पर जाकर लगता है जो दोनों यूनिवर्स को मर्ज कर रही थी, और क्रोना ये देखकर उसे रोकने जाता है, पर वो खुद ही उस मशीन के अंदर मर्ज हो जाता है। पर फिर बैटमैन देखता है कि कोई शख्स दोनों ही अर्थ को अलग कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है, और वो शख्स था हैल जॉर्डन यानी कि स्पेक्टर। और हमने स्पेक्टर को पहले एपिसोड में भी देखा था, और तब भी हमने उसकी असीम शक्तियों का नमूना देखा, और दोनों अर्थ को अलग करने में वो कामयाब हो जाता है, और उसके बाद स्पेक्टर गायब हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और तब सुपरमैन थॉर के हैमर को उठाने जाता है, पर वो उसे उठा नहीं पाता। थॉर कहता है कि मेरे जादुई हैमर को उठाना आसान नहीं। तब सुपरमैन कहता है कि पर मैंने उसे पहले उठाया था। तब थॉर कहता है कि मेरे पिता ओडिन पागल नहीं है, बहुत कम लोग मेरे हैमर के लिए वर्दी बने हैं, और तुम भी कुछ देर के लिए वर्दी थे। और ये कहकर उनकी बातचीत खत्म होती है, और हमारे हीरोज अपनी अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिर में हमारे दोनों अर्थ के हीरोज यानी कि अवेंजर्स और जस्टिस लीग एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय कह के चले जाते हैं, और हमारे हीरोज अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर विलन अब भी वही था यानी कि क्रोना। क्रोना पूरी तरह तो जिंदा नहीं था, पर वो एक कॉस्मिक एग के रूप में था जो आने वाले करोड़ों सालों के बाद बिग बैंग क्रिएट करेगा। और उस कॉस्मिक एग को ग्रैंड मास्टर और मेट्रॉन देख रहे थे, और दोनों कहते हैं कि इससे अपना जवाब मिल जाएगा, लेकिन करोड़ों सालों बाद जब भी अंडे में से निकलेगा अपनी पूरी पावर्स के साथ। लेकिन अब तक के लिए हमारे यूनिवर्स सेफ हैं। तो इस तरह होता है हमारे इस क्रॉसओवर का एंड। अगर आपने हमारा लास्ट क्रॉसओवर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस क्रॉसओवर की स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी। हमारी इस पूरी सीरीज में बहुत सारा एक्शन था, पर जब ग्रैंड मास्टर ने आर्टिफैक्ट्स का यूज करके क्रोना को मारना चाहा, तब स्टोरी थोड़ी अजीब होती गई, पर हमारे हीरोज ने इस स्टोरी को सही अंजाम दिया और हमें एंड तक एक्शन देखने मिला, और इस क्रॉसओवर में कई सारे ऑसम मोमेंट्स थे।
जैसे कि अवेंजर्स और जस्टिस लीग की पहली मुलाकात, कैप्टन और बैटमैन का टीम अप, डार्क साइड का इन्फिनिटी गॉटलेट पहनना, ग्रैंड मास्टर की स्ट्रैटेजी, सुपरमैन का हैमर उठाना और उन दोनों की फाइट के बाद उनका टीम अप। तो कमेंट करें हमारी इस पूरी सीरीज में से आपका फेवरेट मोमेंट। और हमारी ये क्रॉसओवर कॉमिक कॉमिक फैंस के लिए बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि क्रॉसओवर्स में बहुत से इवेंट्स होते हैं जहां हमारे कई सारे फेवरेट सुपर हीरोज एक साथ होते हैं, और शायद किसी किसी पॉइंट पर स्टोरी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता हो, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सुपर हीरोज को रिप्रेजेंट करना और उनको एक साथ दिखाना बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी राइटर्स ने इस क्रॉसओवर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा, जिसमें एक्शन तो था ही पर सस्पेंस भी तगड़ा था, जिसने स्टोरी के एंड तक सभी को जोड़े रखा। और राइटर्स का इसके लिए शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें हर एक एपिसोड में अप्रिशिएट किया, जिससे हमें आगे की वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और हमें सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, जिससे हम आपको मार्वल और डीसी के कंटेंट इसी तरह देते रहेंगे। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।